रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी संसद में जो बाइडेन का ऐतिहासिक संबोधन हुआ। इस संबोधन में यूक्रेन संकट पर बात हुई। यहां अमेरिका ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। आइए बाइडेन के संबोधन की बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। अपने संबोधन में बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है। पुतिन ने यूक्रेन के साथ गलत किया। ये लोकतंत्र बनाम तानाशाही की जंग है। पुतिन की जंग रूस को कमजोर करेगी। यूक्रेन को कमजोर समझना पुतिन की गलती है। दुनिया में अलग थलग पड़ गए हैं पुतिन। बाइडेन ने कहा कि हमारी सेना मतलब अमेरिकी सेना युद्ध में हिस्सा नहीं लेगी। हमने रूसी विमानों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। रूसी शेयर बाजार में 40% की गिरावट हुई है। हम यूक्रेन को $1 बिलियन की मदद देंगे। हम यूक्रेन के लोगों पर गर्व करते हैं। हम आजाद दुनिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हम यूक्रेन का हमेशा हमेशा समर्थन करते रहेंगे। आखिर में बाइडेन ने कहा कि अगर रूसी सेना पश्चिम की ओर बढ़ेगी तो उसे करारा जवाब मिलेगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।